सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। अपना मुंह तभी खोले जब आप जो कहने जा रहे हैं वह मौन से अधिक सुंदर हो। भविष्य की कोई भी बात तभी उपयोगी है जब उसके लिए वर्तमान में प्रयास किया जा रहा हो। आज का पंचांग 31 दिसंबर 2021 दिन शुक्रवार, पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, सुबह 10:39 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अनुराधा नामक नक्षत्र रात्रि 10:04 तक रहेगी। इसके उपरांत ज्येष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:35 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:08 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगे। सिंह राशि 31 दिसंबर 2021 दिन शुक्रवार, आज का दिन कुछ अनिश्चित सा है। आपको संदेशी लोगों से बात करते हुए अधिक सावधान रहना होगा। यह समय आराम करने और फैसले लेने के लिए भी उपयुक्त है। आप जिन अवांछित स्थितियों से बचना चाहते थे आपको उनमें खींचा जाएगा। कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे, हालांकि आप दबाव में भी सही फैसले ले पाएंगे और कुल मिलाकर सब अच्छा होगा। धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति से मुलाकात आपकी विचारधारा में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी तथा आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य भी मनोनुकूल तरीके से संपन्न हो जाएगा। विद्यार्थियों को भी इंटरव्यू व करियर संबंधित परीक्षाओं में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। परिस्थिति स्पष्ट स्वरूप से नजर आने के बाद भी केवल आप अपनी जीत पर अड़े रहेंगे और अपनी योजनाओं को अमल में लाने की कोशिश करते रहेंगे। इस कारण वाद विवाद जैसी स्थिति बन सकती है, नुकसान हो सकता है, इसीलिए सोच समझकर कोई काम करें। काम से जुड़े हुए लोगों के साथ ठीक से चर्चा करके ही बड़े निर्णय लेने होंगे। विवाह से संबंधित बातों के बारे में सोच विचार करके थोड़ी निराशा महसूस हो सकती है। पैर दर्द की समस्या तकलीफ देगी। सावधानियां, बच्चों की समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। उन्हें डांटने तथा गुस्सा करने से उनके अंदर हीनता की भावना उपज सकती है। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके अच्छे पहलू पर विचार अवश्य कर लें। बात करते हैं लव लाइफ की। आज के दिन कुछ बातों को स्पष्ट करने और छुपी हुई बातों को सामने लाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। बातों को स्पष्ट करना एक ऐसी जरूरत है जिसे आप टालते रहे हैं। इससे आपके संबंध में पारदर्शिता आएगी और नई ताजगी मिलेगी। दिन के आखिर में शाम तक प्रिय की ओर से रोमांटिक मूड का तोहफा मिल सकता है। बात करते हैं करियर की। आप में लोगों के जीवन में एक फर्क लाने एवं उनकी सहायता का भाव रहेगा। आप धर्मार्थ कार्य में शामिल हो सकते हैं जो कि आपका समय और प्रतिबद्धता को छीन सकता है। आपको ये निर्णय लेना होगा कि धर्मार्थ कार्यों से जुड़े रहकर कुछ करना चाहते हैं जिससे आपकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़े या वापस अपने कार्य क्षेत्र से जुड़कर धन की वृद्धि करना चाहती हैं। बिजनेस संबंधित कोई कार्यवाही ना करें। प्रॉपर्टी संबंधित कामों में सावधानी से आप बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। नौकरी पेशा व्यक्तियों का टारगेट हासिल कर लेने से प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। बात करते हैं सेहत की। अपचय व भूख न लगने जैसी परेशानी महसूस होगी। खान पान को बहुत ही संतुलित रखना जरूरी है। बात करते हैं सेहत की। आप काम के पीछे इतने पागल हैं कि कई बार तो अपनी उपलब्धियों पर खुश होना ही भूल जाते हैं। इनसे खुशी महसूस करने के लिए
एक योजना बनाएं और उनके उत्तर ढूंढें। प्रश्न इस तरह के हो सकते हैं, क्या घर में आपके पसंदीदा फल मौजूद हैं? क्या आपके अलमारी में आपके पसंदीदा कपड़े हैं? इसके बारे में भी सोचें कि आप कैसे दिखते हैं। आज का उपाय, आज आप गरीबों को भोजन करवाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।